मकर संक्रांति भारत देश का प्रमुख पर्व है। भारत के साथ साथ अन्य देश में भी होने वाले हिंदू धर्मावलंबी इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। पुष्य माह में सूर्य मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति है। यह त्योहार जनवरी माह में संभव होता है। सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश होते हैं। उत्तरायण पुण्य काल में शुरू होते हैं। उस प्रकार हर राशि के लिए एक संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति उत्सव प्रसिद्ध है। इस दिन सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। माना जाता है कि इस दिन से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। साथ ही घरों में मांगलिक कार्य भी संपन्न होने आरंभ हो जाते हैं। मकर संक्रांति के मौके पर देश के कुछ प्रांतों में शहरों में पतंग उत्सव आयोजित किए जाते हैं। वहीं गुजरात का पतंग उत्सव दुनिया भर में मशहूर है। संक्रांति के दिन यह उत्सव पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस उत्सव को अंग्रेजी में काइट फेस्टिवल कहते हैं। रंग बिरंगी वर्णों के पतंग को विविध आकारों में तैयार करके आकाश में फहराता है। इस त्योहार को आंध्र केरला कर्नाटक में संक्रांति के नाम से, तमिलनाडु में पोंगल, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति के नाम से, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के नाम से पुकारते हैं। आंध्र में चंद्रमान, पंजाब के अनुसार यह त्यौहार पुष्य माह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार जनवरी के समय मनाते हैं। पंजाब में लोहड़ी का पर्व मकर संक्रांति की पूर्व संध्या में मनाया जाता है। मकर संक्रांति को मांगी भी कहते हैं। तमिलनाडु के लोग इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। इस प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग होता है। अलग अलग त्योहारों अनुसार मान्यताओं के अनुसार इस पर्व के पकवान भी अलग अलग होते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। विशेष रूप से गुड़ घी के साथ खिचड़ी बनाया जाता है। मकर संक्रांति के कुल आंध्र के लोग भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यह 3 दिनों का बड़ा त्यौहार है। पहला दिन पोंगी कहलाता है, दूसरा दिन संक्रांति कहलाता है, तीसरा दिन कनुमा कहलाता है। पोंगी के दिन सारे घर की सफाई करके कूड़ा कचरा को घर के सामने खाली जगह पर इकट्ठा कर आग से जलाया जाता है। गांव में चौरस्ते मिलने की जगह पर पोंगी ज्वाला को तैयार करते हैं। परिवार के सभी लोग विशेषकर बालक बालिकाएं नहा धोकर नए कपड़े पहनकर उस आग के चारों ओर बैठ जाते हैं। भोंगी के दिन शाम को बच्चे अपने अपने घरों में घुड़ियों को सजाते हैं। घर के सदस्य अपने रिश्तेदारों से मिलकर छोटे बच्चों के सिर पर बेल, चेना, फूल, गन्ने के टुकड़े, सिक्कों को डालकर आशीर्वाद देते हैं। यह त्योहार के दिन सूर्य भगवान को आराधना करते हैं। सूर्य के समान रंग और आकार रहने वाला बेर के फल और सिक्कों को मिलाकर बच्चों के सिर पर डालते हैं। नए नए कपड़े पहनकर खुशी से इस त्योहार को मनाते हैं। इस दिन को नया चावल, नया गुड़, नई मूंग की दाल तथा दूध आदि मिलाकर एक तरह का मिष्ठान पकाते हैं, जिसे आंध्र भाषा में पोंगली कहते हैं। संक्रांति के दिन लोग तिल से मृतकों को तर्पण छोड़ते हैं। लोग अपने अपने रीति रिवाजों के अनुसार पितृ देवताओं को तर्पण देते हैं और नए वस्त्र भी समर्पण करते हैं। उत्तरायण पुण्य काल होने के कारण संक्रांति के दिन करने वाला हर दान श्रेष्ठ होता है। उत्तरायण काल में दिए जाने वाले दानों में धान, फल, वस्त्र, सब्जी, तिल और गन्ना आदि मुख्य हैं। इस दिन को जो लोग गोदान करेंगे उन्हें स्वर्गवास मिलेगा। हरिदास हरि नाम का कीर्तन करते हुए घर के द्वार पर आता है। गंगरी दू बेल घर के सामने आंगन में खड़ा होता है तो वह प्रांत पवित्र माना जाता है। इस प्रकार से मकर संक्रांति मनाते हैं। तीसरा दिन है यानी कनुआ के दिन बैलों की पूजा होती है। किसान पशु को शुभकामनाएं देने के लिए इसे मनाते हैं। गायों के माथे पर हल्दी, कुमकुम तथा सींगों व खुरों को रंग लगाए जाते हैं। गले में फूल की मालाएं
सप्त घंटियां बांधी जाती हैं। अंत में गायों की पूजा करते हैं। कुछ जगहों पर कनुमा के दिन मेला उत्सव भी संपन्न की जाती है। संक्रांति त्योहार के समय आंध्र प्रांत के कुछ जगहों पर गांव के बाहर इस भिड़ंत के लिए निश्चित जगह होती है। इस भिड़ंत को कोड़ी पंदोली कहते हैं। आजकल इस तरह के मुर्ग भिड़ंत बहुत कम हो गई है, फिर भी हर जगह गांव या शहर में कोड़ी पंदोली होती है। कनमा के दिन उड़द से बने आहार पदार्थ को खाने के लिए घरेलू या बड़ा बनाते हैं। संक्रांति के दिनों में लड़कियां कुंभिमा गोबर के गोल के पास घूमकर गाना और नृत्य करते हैं। इस प्रकार के कुंभिमा को प्रातःकाल रंगोली में रखकर फूलों से सजाते हैं। उत्तर भारत में इस पर्व पर गंगा यमुना अथवा पवित्र नदियों या सरोवर में स्नान करके अथवा तिल गुड़ खिचड़ी आदि दान देने का महत्व है। लड़की वाले अपनी कन्या के ससुराल मकर संक्रांति पर मिठाई रेवड़ी गजक तथा गर्म वस्त्र आदि भेजते हैं। उत्तर भारत में नववधु की पहली संक्रांति का विशेष महत्व है। नववधु के मायके से वस्त्र मिठाई तथा बर्तन आदि सामान को भेजने की प्रथा है। पंजाब की लोहड़ी हंसी खुशी और उल्लास का विशिष्ट पर्व है। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर लकड़ियां एकत्रित कर जलाई जाती हैं। तिलों मक्की की खोलों से अग्नि पूजन किया जाता है। अग्नि की चारों ओर नाचना गाना पर्व के उल्लास का प्रतीक है। प्रत्येक पंजाबी परिवार में नववधु या नवशिशु की पहली लोहड़ी का विशेष समारोह में मनाया जाता है। पंजाब और हरियाणा में इस समय नई फसल का स्वागत किया जाता है, लोहड़ी पर्व मनाया जाता है। वहीं असम में बिहू के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। उल्लास के साथ मनाया जाता है। हर प्रांत में इसका नाम और मनाने का तरीका अलग अलग होता है। संक्रांति एक कृषक प्रधान त्योहार है। इस त्योहार के दिन गाय बैल आदि पालतू जानवरों का भी आदर सत्कार करना इस त्योहार की प्रमुख विशेषता है। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।